सो दिस इज माई ब्रेकफास्ट, एक ब्रेड, एक ऑमलेट और उपमा और चाय. और तुम्हारा क्या? फ्रूट और ऑमलेट बस? ब्रेड ऑमलेट. हाँ, ब्रेड ऑमलेट. मेरा भी ब्रेड ऑमलेट है. ब्रेड ऑमलेट चाय अच्छी नहीं है. मोटर रुको तो सही. ये क्या हो रहा है यार? ब्रेकफास्ट के लिए हम लेट हो गए. अब 10:05 है और मेरी 10 बजे कॉल है, इसलिए तो मेरी भी है. मैं तो नहीं भाग रहा यार. मैंने बोला नहीं है मैं लेट ज्वाइन करूंगी ना. भागो भागो फिर. यार तो आई जस्ट एंडेड माई ऑफिस कॉल. और अभी ना, जैसे कि शायद मैंने कल बताया था, मैं भूल गई थी, आई डोंट रिमेम्बर. तो अभी यहाँ पे एक कहाँ से हैं आप? जम्मू? अच्छा, ठीक है. ये कश्मीर से हैं और वहाँ पे करोरा शॉल्स करके हैं. तो प्योर जो हैं वो शॉल्स और सूट हैं जो कि कश्मीर के ही हैं. ठीक है, तो वो हमें दिखाने आए हैं स्टफ अपना, जो कि वो उस होटल में आते हैं दिखाने के लिए. ठीक है, तो अभी हम जस्ट देखेंगे और देखते हैं कि अगर हमें कुछ पसंद आता है तो. Beginning of the stuff that I spoke with you, just have a look over this. इसे मैम हम लोग एक कैनवस के बोर्ड के ऊपर ठीक उसी तरीके से बुनते हैं जिस तरीके से डबल सुए से पर्शियन कार्पेट्स बुने जाते हैं. और ये अर्जुन शॉल उड़ के चेक कर रहा है कि 5 मिनट में गर्म हो गए. वैसे अच्छा लग रहा है ना ये? मेरे पे? तुम्हारे पे नहीं, पश्मीना है ना ये, तो बड़ा हल्का है. अच्छा है ये. अपनी अलग उनका वो है व्लॉग्स, उनकी व्लॉगिंग अलग है. आप टाइप कीजिएगा, आपको उसमें भी आएगा. ऐसा होता है ना, दो यूट्यूबर आते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, मतलब एक उस रूम में एक उस रूम में. श्रीनगर में मेरा रेसिडेंस है. आई हैव माई शोरूम ऑल्सो इन लाल चौक, बट दैट इज क्लोज फ्रॉम लास्ट 6-7 years बिकॉज ऑफ द क्राइसिस एंड ऑल दैट. एंड वी हैव अ वेरी गुड क्लाइंटेल लोकली ऑल्सो एंड वी होलसेल ऑल्सो. बहुत अच्छी हमारी सेल है विद द ब्लेसिंग्स ऑफ योर कस्टमर्स. सारा फाइनल कर लिया है. ठीक है, मैंने सूट भी ले लिया, शॉल भी, स्टोल भी, और ये मम्मा के लिए, मम्मी के लिए, और एक इन्होंने हमें अपनी तरफ से गिफ्ट दिया है कॉम्प्लीमेंट्री, तो दैट इज दिस शॉल. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस. थैंक यू सो मच. सो गाइज, अभी हमने ये 5 चीज़ें ले ली हैं. ठीक है, ये मम्मा के लिए है, ये शॉल मेरा है, ये मेरी मम्मी के लिए है, ये सूट मेरा है, और ये स्टॉल और ये मेरा है, और ये उन्होंने हमें रिगार्ड्स में दिया है. या तो इतनी सारी ख़रीदारी करने के बाद, मतलब एक बहुत ही बड़ा, मतलब इतनी शॉपिंग कर ली, ऐसा लग रहा है जैसे हम डलहौजी नहीं श्रीनगर आए हुए हैं. ठीक है, तो अभी बस जस्ट नहा धो के हम लोग लंच करने जा रहे हैं. पहले हम सोच रहे थे कि बाहर चले जाए, बट यार बाहर जाएंगे तो फिर टाइम लगेगा और ऑफिस भी है ना, तो 2-3 घंटे नॉर्मल है. तो हम बस यहीं रेस्टोरेंट में नीचे लंच करने जा रहे हैं और फिर लंच करके फिर वापस आ जाएंगे, फिर अपना काम करेंगे. लेकिन धूप नहीं निकल रही और दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और अभी भी व्यू ऐसा हो रहा है. मतलब हमें लगा था कि बादल ऐसे ऊपर जाएंगे, धूप निकल आएगी, बट मुझे लगता है उस साइड तो धूप निकल रही है, इस साइड ऐसे खुला हो रहा है मौसम, बट धूप नहीं निकल रही. मतलब अच्छा हो रहा है कुल मिला के, बस ये है. सही, हमारा खाना आ गया है. पहले हमने मंगाई है 2 सिंपल रोटी एंड देन रेशमी पराठा, और ये है हमारा मलाई कोफ्ता एंड ये सैलेड, और ये है हमारा व्यू. और क्या कर रहे हो? तो भाई ऐसा वेदर हो रहा है, 1 घंटा हो गया है और डलहौजी में बारिश बंद नहीं हो रही है. अभी भी बारिश हो रही है जैसा कि आप देख सकते हो. नीचे से बादल भी आ रहे हैं. यस, और नीचे से वहाँ बादल भी आ रहे हैं. तुम बादल देख रहे हो? हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग. द टाइम इज 7 PM और हम कहीं बाहर तो गए नहीं थे जैसे कि आपको पता है. हाँ, और मेरा काम फिनिश हो गया था, उसके बाद आई टुक अ नैप, मतलब मैं सो गई थी. अर्जुन इज स्टिल वर्किंग, सो अर्जुन का काम चल रहा है. पहले हम सोच रहे थे कि हम ना बाहर जाके चाय पी लें, जैसे कल तो हम गए थे सुभाष चौक, तो हम सोच रहे थे गांधी चौक चले जाएँ, वो सुभाष चौक से थोड़ा आ गए.
बट अभी 7 PM टाइम भी नहीं है, लेकिन हाँ हम बाहर भी जाते ना तो फंस जाते, क्योंकि जैसे कि दिन में बारिश हुई 2-3 बार, मतलब पहले बहुत देर तक होती रही, फिर बंद हो गई, फिर धूप निकल आई, फिर दोबारा होने लगी। तो अभी हम देखते हैं कि अगर बाहर चाय पीने जाते हैं, अदरवाइज़ मैं तोड़ गई तो यार मुझे चाय चाहिए तो मैं फिर यहीं मंगाती हूँ। तुम्हारा काम अभी कितनी देर चलेगा अर्जुन? अर्जुन बोल रहा है ख़त्म होने वाला है, फिर देख लेंगे बाहर जाके पी लेंगे। ठीक है ये क्या हो रहा है आते ही? आज जो मैंने न्यू शॉल खरीदा गाइस, स्टॉल, हाँ सॉरी स्टॉल, ये शॉल नहीं है, शॉल इज पश्मीना, हाँ, और ये स्टॉल था, और तो मैंने सोचा उसको कैरी कर लेते हैं, और मुझे बोलना चाहिए अच्छा है क्योंकि बाहर थोड़ी बहुत ठंड है, तो मैंने लगेगी ठंड, तुमने डालोगे कुछ? और जो सुंदर है ना, यस, अगर इसके साथ कुछ हम लाइट कलर का प्लेन लें, ऐसे सलवार और नीचे पटियाला, और फिर ऐसे ना स्टॉल को डालें, बहुत प्यारा लगेगा, ऐसे लगे। सो गाइस ये है शाम का होटल का माहौल, और हम लोग तो खैर अभी बाहर जा रहे हैं चाय पीने। फाइनली हम बाहर आ गए, और मैं बता दूं कि ये शॉल है ना यार, मेरे से रोका नहीं जा रहा था, बार बार गिर रहा था, अर्जुन कहता आप तो रहन दो, इतना महंगा शॉल खरीदा आज आप तो बर्बाद कर दोगे, तो इसलिए हमने क्या कहते हैं वहां से खरीद लेते हैं, यार मास्क भूल गए हम अपना जल्दी। सो फाइनली हम बाहर आ गए हैं, और जेल ही है ऑफिस, हाँ, और फिर से मुझे लग रहा है इतना टाइम हो गया तो फिर से वहाँ कहाँ जाएंगे, क्या बोलते हैं गांधी चौक, क्योंकि वो सुभाष चौक से आ गए, तो हम सोच रहे हैं सुभाष चौक तक ही जाते हैं, वहाँ से चाय मैगी खा के वापस आ जाएंगे, नहीं अर्जुन? हाँ अर्जुन, ठीक है। सो फाइनली हम आ चुके हैं, ये है सुभाष चौक जहाँ कल आए थे, और मैं फिर से व्यू देखने जा रही हूँ, तो दिस इज़ द व्यू गाइस, और कोई पहाड़ भी नहीं दिख रहा है। तो गाइस हमने अंकल को ऑर्डर दे दिया है, यहाँ पे हमें मैगी मिलेगी, पकोड़े मिलेंगे, ब्रेड ऑमलेट मिलेगा, ब्रेड टोस्ट मिलेगा, अंकल हमारे लिए मैगी बना रहे हैं और फिर चाय बनाएंगे, और अंकल ने बोला चाय बहुत अच्छी बनाएंगे। बादल कैसे उड़ रहे हैं ना, पीछे सारा वाइट वाइट हो रहा है। सुनो मैंने अंकल को बोला, अंकल चाय अच्छी बना, अंकल कह रहे हैं अच्छी मिलेगी दूध वाली, मैंने कहा दूध वाली नहीं, कम मीठी कम स्ट्रॉन्ग, और थोड़ा अदरक अदरक डाल देना। यार अर्जुन यहाँ के कुत्ते ऐसे कैसे होते हैं, जैसे क्यों होते हैं जैसे शेर टाइप, जैसे ये है तो हेल्दी लाइफ जीते ना, पहाड़ों में साफ हवा एक्सरसाइज करते हैं, खाना मिले खाना मिले। सो गाइस फाइनली हमारी मैगी आ चुकी है, और मेरे को आपको बताने दो कि मैं पहाड़ों पर मैगी ना फॉर द फर्स्ट टाइम खा रही हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं खाई, तो मेरी पहाड़ों की फर्स्ट मैगी है। गाइस अभी पता क्या हुआ, ये मेरी चाय मेरे पास और अर्जुन की ना उधर रखी थी उधर सीट पे, और जस्ट चाय अर्जुन की आई थी, अर्जुन ने एक सिप ली थी, मैंने चाय करा दी, मतलब हम ना कैमरा ढूंढ रही थी, मैंने चाय ऐसे कर दी, तो अर्जुन कहता है मैं खुद सोचूंगी सब कुछ इतना आराम आराम से कैसे जा रहा है, कुछ गिर फिर क्यों नहीं रहा है। अर्जुन हम सो सॉरी, मैंने अंकल को बोला दूसरी चाय बना रहे हैं, गुस्सा तो नहीं हो मुझसे पक्का? हाँ यार गुस्सा भी हो गया, पता तो है ही मैं ऐसी हूँ, कुछ नहीं क्या देखा भी नहीं कहाँ गई कह रहा मुझे तो फर्क भी नहीं पड़ा कहाँ गिरी है, गिर गई मुझे तो पता ही आप पैसे हो। और ये अर्जुन की दूसरी चाय आ गई है, अब इसको मुझसे दूर रखना ठीक है। आपकी चाय और मैगी दोनों बहुत टेस्टी थी, टेस्टी है ना? यस, मैंने तो दो दो दिए ना नहीं एक तो तुम्हारी गिर गई थी ना स्टार्ट तो की थी सो अपनी चाय मैगी खाने के बाद ना यार पता और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि इतनी बड़ी रोड है इनको दिख नहीं रहा, हॉर्न मार रहे हैं कुत्ते। अच्छा तो ना यार मैं सोच मेरे पास अभी ऑप्शन है, क्योंकि डिनर तो हम होटल जाके ही करेंगे, हाँ, कि मैं एक चाय पीऊँ, मैं गोलगप्पे खाऊं, या फिर मैं चने की चाप खाऊं। फोटो डिसाइड कर लिया आपने क्या करना है? यस फाइनली मैं गोलगप्पे खा रही हूँ, मैं फर्स्ट था, तो ऑब्वियस था, ऑब्वियस चीजें मत किया करो। या गाइस सो आई हैव बैक टू द होटल ठीक है, और जैसे कि अभी शाम का जैसे माहौल होता है तो, लेकिन क्या ना मुझे मैं भूल गई थी, मैंने अभी ब्लॉग नहीं डाला, तो मुझे अर्जुन के बर्थडे वाला ब्लॉग डालना है, तो मैं जैसे उसको एडिट करूँगी तो मैं सोच नीचे चली जाऊँ, नीचे जाके उसको एडिट करती हूँ, वो ब्लॉग डालना है मुझे, और ये ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको होटल का लोकेशन पसंद आया हो, दिस इज़ होटल माउंट व्यू इन डलहौजी, नाइस लोकेशन, और कल मेरा और अर्जुन का ऑफ है, तो कल हम सोच रहे हैं कि हम दूसरी जगह एक्सप्लोर करेंगे, जैसे सुभाष चौक हो गया तो कल हम गांधी चौक जाएंगे, उससे आगे देखेंगे और क्या है, और परसों का भी कुछ प्लान करेंगे ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक दिट, अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, अपना प्यार दो,
इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कंटेंट क्रिएटर्स को, ठीक है। और इजी कुछ भी नहीं होता, बट मुझे लगता है टफ भी कुछ नहीं होता, इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप कैसे चीज़ें मैनेज करते हैं। आज का ज्ञान यहीं खत्म, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपना ध्यान रखना, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।